प्रसिद्ध शहर के इलाके में बहुत सारे रिक्शा वाले पवन के लिए काम करते हैं। पवन के पास बहुत सारे रिक्शा हैं। उसने बहुत सारे ड्राइवरों को काम पर रखा है। ये लोग दिन भर रिक्शा चलाते हैं और शाम को सारे पैसे पवन सेठ को दे देते हैं। आज के कितने पैसे हुए? मालिक, आज 1000 रुपए हुए हैं। सुबह से रिक्शा चला रहे हो और सिर्फ 1000 रुपए लेकर लौटे हो? कम से कम 2000 तो लेकर आते। अगर यही हाल रहा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी आधी ही दूंगा। साहब, मैंने तो दिन भर जी तोड़ मेहनत की थी, पर इतने ही पैसे जुटा पाया। आजकल एसी बस शुरू हो गई है, इसलिए अब ज्यादातर लोग एसी के बस से ही सफर कर रहे हैं। बहाने मत बनाओ। मुझे तो लगता है कि तुम कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लेते हो और मुझसे झूठ कहते हो कि इतनी ही कमाई हुई है। नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैंने कभी भी आपके साथ बेईमानी नहीं की है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे ईमानदार लोगों को। तुम लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। सच कह रहा हूँ साहब, एसी बस के आ जाने से बहुत सारे लोग उसी से सफर कर रहे हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे कल से 2000 रुपए डेली चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें काम पर से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। अपने मालिक से बेवजह डांट सुनने के बाद रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। इस तरह से पवन सेठ सभी रिक्शा वालों को भला बुरा सुनाता है। सभी रिक्शा वाले चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं मालिक हमें इतना क्यों डांटते हैं। हम लोग तो दिन भर मेहनत करते हैं, अब ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते तो इसमें हमारा क्या दोष है। रिक्शा लेकर काम पर चले जाते हैं और दिन भर रिक्शा चलाकर जमा हुए पैसे पवन सेठ के पास देने के लिए जाते हैं। आज तो पूरे पैसे लाए हो ना, या आज भी 1000 ही लाए हो? साहब, आज मैंने ना सुबह का नाश्ता किया ना दिन को खाना खाया, भूखा प्यासा काम कर रहा था, फिर भी 1500 रुपए ही जमा हो पाए हैं। लगता है मुझे नए लोगों को काम पर रखना ही पड़ेगा। तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, कल से पूरे 2000 रुपए लेकर आना। साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई है और आप हमें पूरे महीने के सिर्फ 8000 रुपए देते हैं, इसमें हमारे परिवार का ठीक से खर्चा नहीं चल पाता। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं सारे पैसे तुम्हें ही दे दूं? मुझे तो तुम्हारी नीयत पहले से ही खराब लग रही थी, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पवन सेठ गुस्से में सभी रिक्शा वालों को काम पर से निकाल देता है, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पता नहीं अब हम लोग अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे, हमें तो रिक्शा चलाने के अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं आता। सारे रिक्शा वाले नए काम की तलाश करने लगते हैं, पर पढ़े लिखे न होने की वजह से उनको कोई दूसरा काम नहीं मिलता है। दूसरी तरफ एक इलाके में एक कूड़े वाला है, जो कूड़े से सभी प्लास्टिक की बोतलों को चुनता है। जब से पानी भी प्लास्टिक की बोतल में आने लगी है, तब से बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल मिलने लगी है, मेरा तो फायदा ही हो रहा है इन बोतलों से। कूड़े वाला भी दिन भर मेहनत करके प्लास्टिक की बोतलों को चुनता है और अपनी गली के पास सभी बोतलों को इकट्ठा करता है। पूरे महीने बोतलों को इकट्ठा करते करते उसके पास प्लास्टिक की बोतलों का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो जाता है। इतनी सारी बोतलें बेचकर तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, अब मैं अच्छे से एक बड़ा घर किराए पर ले सकता हूँ। कूड़े वाला प्लास्टिक की बोतलों को अपने थैले में जमा करके घर के लिए आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर रिक्शा स्टैंड पर खड़े रिक्शा वालों पर पड़ती है। वो उनके पास जाता है। क्या हुआ भाइयों, आज काम पर नहीं गए? और आपका तो रिक्शा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ? क्या बताएं भाई, हमारे मालिक ने हमको काम से निकाल दिया है, अब हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। तुम लोग नया रिक्शा किराए पर लेकर काम शुरू क्यों नहीं कर देते? भाई, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम किराए पर रिक्शा ले सकें। बिना काम के तुम लोगों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चे भूखे सो रहे होंगे।
इससे भी बुरा हाल है भाई। सच कहूँ तो दो दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया है। बच्चों तक को भी भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है। रिक्शा वालों की ये हालत देखकर कूड़े वाले को उन पर बहुत दया आती है और वो उनकी मदद करने के बारे में सोचता है। भाई मेरे पास ना बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल जमा है, हम लोग मिलकर उनसे रिक्शा बना सकते हैं। कूड़े वाला सभी रिक्शे वालों को अपने घर के पास ले जाता है जहाँ पर उसने प्लास्टिक की बोतलों का ढेर लगाया हुआ है। पर भाई ये तो तुम्हारी रोजी रोटी है, अगर तुम ये बोतलें हमें दे दोगे तो तुम अपना गुजारा कैसे करोगे? अरे मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरी चिंता छोड़ो और अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचो। मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा ही हूँ, तुम्हारा चूल्हा जलेगा तो मेरी भी भूख मिट जाएगी। कूड़े वाला और सभी रिक्शा वाले मिलकर प्लास्टिक की बोतलें जोड़कर रिक्शा बनाना शुरू करते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत करके ये लोग बहुत सारे रिक्शा बनाकर तैयार कर देते हैं। चलो देवी माँ के मंदिर से चाबियाँ लेकर आते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारे रिक्शा अच्छे से चलेंगे। अब इनके पास सभी रिक्शा वालों के लिए एक एक रिक्शा बनकर तैयार हो जाती है। सभी रिक्शा वाले देवी माँ के मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सभी देवी माँ की मूर्ति के नीचे रखी चाबियाँ लेते हैं और उन जादुई चाबियों से अपना अपना रिक्शा स्टार्ट करते हैं। भाइयों ये रिक्शा तो हमारे पहले वाले रिक्शा से भी तेज और मजबूत लग रहा है और इसमें हमें गैस भरवाने की भी जरूरत नहीं है, कम से कम गैस का पैसा तो बच ही जाएगा। अब सभी रिक्शा वाले अपने रिक्शा के मालिक खुद थे। जब इनका मन करता ये रिक्शा चलाते और थक जाने के बाद ये आराम करते। साथ ही इनका प्लास्टिक रिक्शा बहुत तेज चलता जिससे सभी सवारियां जल्दी से अपने घर पहुंच जाती। अब हम अच्छे पैसे कमाने लगे हैं, इसीलिए हमें कूड़े वाले भाई की मदद करनी चाहिए। सभी रिक्शा वाले कुछ पैसे लेकर कूड़े वाले के पास जाते हैं। ये लो भाई ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। इसकी क्या जरूरत थी भाइयों, मैं तो कूड़ा बीन कर अपना गुजारा कर ही रहा था। तुमने महीनों की मेहनत से जमा की हुई प्लास्टिक की बोतलें हमें दे दी, हमारी इस कमाई पर तुम्हारा भी हक है, इसीलिए आज से हर दिन हम लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा तुम्हें भी देंगे। अब हर रिक्शा वाला अपने जादुई प्लास्टिक बॉटल रिक्शा से जो भी पैसे कमाते उसका कुछ हिस्सा शाम को आकर कूड़े वाले को देते जिससे दोनों का अच्छा गुजारा हो जाता। जल्दी ही अपने प्लास्टिक बॉटल रिक्शा से सभी रिक्शा वाले और कूड़े वाले अच्छे पैसे कमाकर अमीर बन जाते हैं और अपने लिए अच्छा घर खरीदने के साथ साथ दूसरे जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते हैं। अरुण की शादी दीपा से हुई थी। दीपा बहुत खूबसूरत थी। शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। जब छोटे भाई अरविंद की शादी हुई तो खुश रहो बेटी, जल्दी ही हमारे घर में खुशखबरी सुनाना। माला का रंग बहुत काला था जबकि उसकी जेठानी दीपा बहुत गोरी थी। दीपा बहुत ही घमंडी और नक्षड़ी भी थी, घर का कोई काम नहीं करती थी। माला बहुत ही सीधी साधी थी। दीपा ने माला के आते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर ही डाल दी। कुछ दिनों बाद एक बार दीपा की बहन श्रीजा जब उनके घर आई तो दीपा तेरी देवरानी इतनी काली है, तुम लोगों ने शादी से पहले देखा नहीं था क्या? अरविंद की लव मैरिज हुई है, हम क्या कर सकते थे, उनकी पसंद है। दोनों बहनें ठहठा कर हंस पड़ी। माला ने उनकी बात सुन ली थी, वो उदास हो गई। एक दिन जब माला बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसने उसके झोले में से सामान इधर उधर बिखर गया था। उसने उसके झोले में सारा सामान रख कर उसे थमा दिया, उसको उठाकर पानी पिलाया। उसके घुटनों पर चोट लग गई थी, उसने तुरंत अपने रुमाल से उसके घाव साफ कर दिए और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ कर उस पर बांध दिया। आपको कहाँ जाना है? मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या तुम्हें पता है कि रामफल चौक कहाँ है? चलिए
मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। माला ने एक रिक्शा रोका और उसको सहारा देकर बिठा दिया। जब रिक्शा रामफल चौक पहुँचा तो वो औरत उतर गई और उसने माला को अपने झोले में से एक पैकेट निकाल कर दिया। बेटी, ये एक जादुई क्रीम है, तुम्हारे बहुत काम आएगी। धन्यवाद काकी। माला ने क्रीम ले ली और वो औरत वहाँ से चली गई। माला ने घर आकर वो क्रीम खोलकर अपने चेहरे पर लगा लिया। जब दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो हैरान रह गई। ये देखिए, मैं तो दीपा भाभी की तरह गोरी हो गई हूँ। अरविंद ने देखा तो वो उसे आश्चर्यचकित होकर देखता ही रह गया। ये कैसे हुआ? तब उसने अरविंद को सारी बात बताई। माला रोज रात को वो क्रीम लगाकर सोती। उसकी शादी को लगभग एक साल हो गए थे, उसकी तो दुनिया ही बदल गई। वो माँ बनने वाली थी। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सब बहुत खुश हुए। दीपा तो जल भुनकर राख हो गई थी। एक बार उसकी जेठानी की बहन श्रेजा फिर आई। उसको देखते ही, दीपा, ये प्लास्टिक सर्जरी करा के आई है क्या? अरे नहीं, पता नहीं कैसे ये इतनी गोरी हो गई और अब तो माँ बनने वाली है। घर में उसकी इज्जत बढ़ गई है, जैसे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। माला का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। दीपा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन माला को क्रीम लगाते हुए देख लिया। एक दिन जब माला किसी काम से बाहर गई थी, दीपा सीधा उसके कमरे में गई और उसका क्रीम का डब्बा उठाकर अपने कमरे में लेकर आ गई। उसने उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही डब्बा उसके टेबल पर रख दिया। दीपा जब सोने गई तो रात में क्रीम अपने चेहरे पर लगा लिया। सुबह उठी तो उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल गए थे। वो रोती हुई सास के पास आई। ये क्या हुआ? दीपा ने उनको सारी बात बताई। दीपा, जलन की भी कोई सीमा होती है। माला बेचारी पहली बार थोड़ी सी खुश हुई थी, पर तुमसे तो उसकी खुशी देखी ही नहीं गई। माँ जी, जब से उसने ये क्रीम लगानी शुरू की है, हर जगह उसी को सब पूछते हैं। मैं तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती। रंग तो मेरा भी गोरा ही था ना। माला पीछे खड़ी सब सुन रही थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से अपने काले होने का दंश झेल रही हूँ। आप मेरी जेठानी है, बजाय इसके कि आप मेरा पक्ष लेती, अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, काले को काला ही कहेंगे, इसमें बिसुरने की क्या बात है। बहरहाल, जादुई क्रीम उसी के लिए है जिसको मिली है। मेरी क्रीम मुझे वापस कर दीजिए। दीपा ने उसकी क्रीम चुपचाप उसे वापस दे दी। दीपा ने अपना क्रीम वाला डब्बा रख लिया और उसका रखा हुआ डब्बा उसे वापस कर दिया। दीपा दिन रात अपने कमरे में ही पड़ी रहती। डॉक्टर को भी दिखाया पर उसके चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन दीपा रोती हुई माला के पास आई। माला, मुझे माफ कर दो, मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती रही होगी, जब सब तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे होंगे। उसका ये हाल देखकर माला बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी सिवाय सांत्वना देने की। दीपा बिल्कुल बदल गई थी। उसके साथ मिलकर घर का सारा काम भी करती और उसका ध्यान भी रखती। एक दिन जब माला सब्जी लेकर घर लौट रही थी तो अचानक वही औरत उसे फिर से दिखाई पड़ी। वो झट से उसके पास पहुंच गई और उसने उसके पैर छूकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। चलिए, आज आप मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से बना खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो माला, इसीलिए जादुई क्रीम ने तुम्हारी मदद की। आप मेरी जेठानी, दीपा को पहले जैसा कर दीजिए। उसको अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है, वो बहुत पछता रही है, और हो सके तो उन्हें भी एक संतान दे दीजिए। तब उसने अपने झोले से निकालकर एक क्रीम का डब्बा दिया। उससे कह देना, अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगी तो इस क्रीम का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तुम 5 गरीब औरतों को खाना खिला देना, समझ लेना मैंने खा लिया। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। जब माला घर आई तो उसने दीपा को वो क्रीम देते हुए कहा, भाभी, आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी ये क्रीम अपना जादू दिखा पाएगी। आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा और आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा। माला, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल लूंगी, बस एक बार मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए और मेरी गोद भर जाए। कुछ ही दिनों बाद
दोनों देवरानी जेठानी ने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। अब दोनों बहुएं प्रेम से रहने लगी। एक दिन, छोटी बहू, तुम्हारी ग्रीन तो वाकई जादुई है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोनों बहुएं मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार से दादी की गोद में डालकर अपने काम में व्यस्त हो गईं। बाबूजी के जाने के बाद अचानक भाई और भाभी बहुत अमीर हो गए थे, इसलिए बाबूजी के जाने के बाद सिर्फ माँ का स्नेह ही नीरू को वहाँ जाने के लिए मजबूर करता था। उसके पहुँच जाने पर भाभी का मुंह बन जाता था। एक बार जब वो वहाँ गई तो माँ के कमरे में ताला लगा देखकर, भाभी माँ कहाँ है? अभी खोजती हूँ, कई बार घर से निकल जाती है, फिर ढूंढते फिरो। बेटी कम से कम 2-3 महीने में एक चक्कर लगा जाया करो, एक ही शहर में रहते हुए भी महीनों बाद आती हो। माँ मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहू मेरे जाने के बाद तुम पर अपना गुस्सा उतारे। तुम आ जाती हो तो बड़ी तसल्ली मिल जाती है। तुम्हारे बाबूजी थे तो इस घर में सबका आना जाना लगा रहता था, अब तो कोई झांकने भी नहीं आता। नीरू ने अपने बैग से चुपके से अचार की शीशी निकाली और माँ को पकड़ा दी। जैसे ही माँ की नजर अचार पर पड़ी, उनकी आंखों में चमक आ गई थी और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ की आंखों से गिरे हुए आंसू उसने अपने आंचल से पोंछ दिए। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वो आंसू हीरे में बदल गए। माँ ये क्या है? ये तो हीरे हैं। क्या सच कह रही है तू? मुझे तो आंखों से कम दिखता है। माँ तुम्हारी चादर कौन बदलता है? वो तो बहू ही करती है, मेरे कमरे में किसी को भी आने नहीं दिया जाता, बाहर से ताला लगा रहता है। माँ ये ताला कब से लगता है? जब से आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। माँ इस बार तुम मेरे साथ चलो। भाई से पूछ लेना, ये लोग कहीं नहीं जाने देंगे। आहट सुनकर बाहर गई तो देखा नीलम भाभी हाथ में चाय लेकर खड़ी थी। मुझे तो लगता है ये अम्मा को अपने साथ ले जाने आई है, अगर अम्मा चली गई तो उनकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं का राज सबको पता चल जाएगा। दूसरे दिन सुबह माँ का नाश्ता उनके कमरे में ही पहुँच गया। माँ तुम भी चलो हमारे साथ ही नाश्ता करना, उसने उनकी प्लेट लाकर टेबल पर रख दी। नहीं बेटा मैं वहाँ नहीं खाती, यही जमीन पर ही दे दो मेरा नाश्ता, गिर जाएगा तो टेबल गंदा हो जाएगा। इतने नौकर चाकर हैं घर में, तुम सिर्फ इसलिए नीचे खाती हो कि टेबल गंदा हो जाएगा? चलो मैं भी जमीन पर ही खाऊंगी। उसने अपनी माँ के साथ ही अपनी प्लेट भी रख दी। भाई तैयार होकर आया तो उसने कहा, नीरू तुम जमीन पर क्यों बैठ गई? ऐसे ही माँ के पास बैठ गई, तुम लोग खाओ। भाई मैं कुछ महीनों के लिए माँ को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे भी नानी के हाथ का अचार बढ़िया और लड्डू खा लेंगे। माँ के हाथ का अचार कितना मशहूर था, अड़ोस पड़ोस वाले भी माँ से ही अचार डलवाते थे। कुछ दिनों के लिए ही क्यों, हमेशा के लिए ले जाओ, तुम्हारी भी तो माँ है। कैसी बातें करते हैं, अम्मा अब कहीं नहीं जाएंगी, जिसको मिलना है वो यहीं आकर मिल लेगा। ठीक है फिर मैं ही रुक जाती हूँ। उसकी समझ में आ गया था कि अगर माँ दूसरी जगह चली गई तो इन्हें हीरे कैसे मिलेंगे। माँ के साथ उनके कमरे में आकर रोते हुए, माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटी जो 2 रोटी मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तुम्हारे पेंशन के पैसे किसके पास रहते हैं? पीछे से नीलम आकर कहती है, दीदी पेंशन से अधिक तो अम्मा की दवाइयों पर खर्च हो जाता है, पेट इतना हल्का है कि कुछ पचता ही नहीं, चटोरापन ऐसा है कि बच्चों से रसोई में से मंगवा कर खा लेती हैं। नीलम चली गई। माँ तुम्हें क्या खाना है बोलो, मैं बना कर लाती हूँ। रहने दो बेटी, क्यों जहमत मोल लेती हो, तुम तो चली जाओगी, मुझे इनके साथ ही रहना है। नहीं माँ तुम बताओ ना, जो खाना है मैं बाजार से ले आऊंगी। ठीक है जाओ, मेरे लिए कचौरियाँ और जलेबी ले आना, साथ में चटनी भी ले आना। नीरू बाहर गई, गाड़ी में बैठकर बाजार गई और माँ के लिए कचौड़ियाँ और जलेबी अपनी पर्स में छुपा कर ले आई। माँ को अपने हाथों से खिलाती जा रही थी और आँखों से आंसू बहते जा रहे थे। माँ के चेहरे की तृप्ति देखकर उसके दिल को ठंडक मिल गई। नीरू बेटी बीच बीच में आ जाया करो, सच कहूँ तो अब जीने की इच्छा भी नहीं बची है। नीरू ने माँ का बिस्तर झाड़ कर साफ कर दिया।
माँ के सिर में तेल लगाकर कंघी कर दी। फिर बहुत देर तक बातें करती रही। माँ, मैं भाभी से कहती हूँ एक काम वाली रख दे, तुम्हारे कपड़े तो धो दिया करेगी वो। तभी नीलम की कर्कश आवाज आई। दीदी, आपको क्या लगता है, अभी मैं चाहूँ तो काम वालियों की यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा दूँ, पर लगभग रोज ही अम्मा का कपड़ा गंदा हो जाता है। नीरू चुपचाप सुनती रही। समझ गई थी कि काम वाली हीरो का राज जान जाएगी, इसलिए नहीं रखा है। कुछ बोल नहीं पाई। माँ उठकर बाथरूम गई तो अपने कमरे में इंडियन बाथरूम में ही गई। माँ, उधर क्यों नहीं जाती? इतनी जिद करके तुमने दूसरा बाथरूम बनवाया था कि बुढ़ापे में आराम रहेगा। दीदी, आप तो चार दिन के लिए आई है, यहाँ रहे तो पता चले अम्मा पूरा बाथरूम खराब कर देती हैं, इसीलिए वही बाथरूम उनका है, जाने दीजिए उनको वहाँ। भाभी, वो वॉशरूम तो उनके लिए वही सही है। माँ आ गई थी। नीरू बहुत बेचैन हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शाम को जैसे ही भाई आया, भाई तुम तो माँ के अपने हो ना, तुम्हें आने में देर होती थी तो माँ खाना नहीं खाती थी, बाबूजी के कुछ कहने पर नाराज हो जाती थी, कभी तो तुम उनका ध्यान रख लिया करो। तुम्हें क्या लगता है, हम अम्मा का ख्याल नहीं रखते, उनको खाना दवाइयाँ नहीं देते? अम्मा का दिमाग खराब हो गया है, उनके लिए कोई कितना भी कर दे पर वो हमेशा कुड़ती ही रहती हैं। वो तो मैं भी देख रही हूँ। खैर, मैं कल जा रही हूँ, माँ की तबीयत खराब हुआ करे तो मुझे खबर दे दिया करो। भाई अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन ही नीरू वापस चली गई। एक महीने बाद ही खबर आई कि माँ अस्पताल में है। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। माँ का शरीर बिस्तर में लगा हुआ था। माँ, आंखें खोलो, मैं आ गई, देखो तुम्हारी बेटी आ गई, नीरू। माँ उठो ना। एक बार उन्होंने पलके झपकाई, फिर आंखें खोल दी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। नीरू ने आंसू पोंछ दिए, हीरे उठाकर रख लिए। माँ, क्या तकलीफ है? माँ ने पेट सहलाते हुए बताया। भूख लगी है, कुछ खिला दो। उसने जैसे ही माँ के मुंह में अपने साथ लाई रोटी का पहला निवाला डाला, माँ की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। थोड़ी ही देर में वो चीर निंद्रा में लीन हो गई थी। डॉक्टर, नर्स, देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। डॉक्टर ने आकर देखा और चेहरा ढक दिया। नीरू चुपचाप आंसू बहाती रही। उस दिन उनकी 13वीं थी। घर में चारों तरफ व्यंजनों की खुशबू फैली थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। ये सारे व्यंजन दूसरे लोग खाकर चले जाएंगे, पर मेरी माँ तो भूखी ही चली गई। उनकी आंखों से गिरे हीरे की कमाई पर ये ठाट बाट है, वो बेचारी खाने को तरस गई थी। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला और उठकर अपने घर चली गई, अब कभी नहीं आने के लिए। माँ की छाया ही नहीं रही, जिसकी छाँव में उसने कितने साल गुजार दिए थे।